नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो आज हमारे साथ है हेतल चौकसी, जो है डी कुशालभाई ज्वेलर्स की ऑनर है, और वो अभी देख रही है ज्वेलर्स, उनकी कंपनी में मार्केटिंग का काम देख रही है, साथ में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग किया है उन्होंने, और काफ़ी सारी उनके हस्बैंड के साथ बिजनेस में उनको मदद कर रही है। तो ऐसी हेतल जी, आपका स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि ज्वेलर बिजनेस में आप, मतलब हस्बैंड के साथ कैसे आए, शादी से पहले आए कि शादी के बाद आपने कुछ बिजनेस में हिस्सा लेने की कोशिश की? शादी से पहले भी हम लोग का यही बिजनेस था जी, और उसके बाद मैं फिर शादी के बाद मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, जेमोलॉजिस्ट का कोर्स किया, और फिर मैं इन्वॉल्व होती गई। उसके बाद हम लोग यहाँ इंटरनेशनल मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, यूएस में, दुबई में, सब जगह, और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि हस्बैंड के साथ थोड़ा मिलके, बिकॉज बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, देन फ्री टाइम में कुछ डेवलप का कुछ करना था मुझे, तो इंस्पिरेशन वहाँ से मिला कि मैं कुछ एग्जीबिशंस और वैसे कुछ करूँ। जी, आपने एजुकेशन कितना किया है? मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट, बीकॉम कम्प्लीट किया था जी। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में आगे आएंगे क्या? या मुझे ड्रीम था, मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो डिज़ाइनिंग और न्यू वेराइटीज़ सब लेके आना और डेवलपमेंट करना, कुछ क्रिएटिव करना, मेरा पहले से ही मुझे माइंड में था, बैकअप में, ये कुछ करना है, ऐसे घर पे ही नहीं रहना है। तो सब फैमिली का भी सब सेट हो रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, देन उसके बाद ये इन्वॉल्वमेंट मैंने स्टार्ट किया जी। तो कितने साल से आप मतलब बिजनेस के साथ जुड़ी है? 10 ईयर्स से मैं जुड़ी हूँ बिजनेस के। जी, और आप क्या करती है इसके अलावा? स्पेशली मैं शोरूम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और एग्जीबिशंस के लिए तैयारी करनी होती है बाहर जाते हुए, और वैसे डिज़ाइनिंग सब छोटे छोटे बहुत सारे काम रहते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात है हेतल जी, आप एक ज्वेलरी बिजनेस में है, और ऐसा कहा जाए कि एक बिजनेस वूमन भी है, साथ में जिस तरह से आपने बताया कि आप विदेश में अपना बिजनेस विकसाना चाहते हैं, इसके लिए आप ये कार्य करती है कि काफ़ी मतलब मैनेज करना, वो सब भी आपके अंदर आता होगा। पर जब आप एग्जीबिशन, आपने कब पहला एग्जीबिशन आपने विदेश में किया, और वहाँ का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? पहला एग्जीबिशन 10 ईयर्स पहले किया था, और US में किया था, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बिकॉज इंडियन वहाँ पे उन लोग को स्पेशली ज्वेलरी चाहिए होती है, पर वो एग्जैक्टली वहाँ पे मिलती नहीं, और अपने यहाँ से लेके जाए अपने न्यू ट्रेंडी नई डिज़ाइंस होती है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, एंड नाउ वी आर डूइंग एवरी ईयर एग्जीबिशंस करते हैं जी। तो अभी तक कितने एग्जीबिशंस आपने किए हैं? अराउंड 30 जितने एग्जीबिशंस किए सब जगह। तो आपको वहाँ से जो आपने बताया, आपका एक अनुभव, आपने कुछ शेयर किया हमारे साथ, लेकिन 15 साल पहले जब आपने एग्जीबिशन किया था, तब आपका मतलब वहाँ जाने के बाद आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि यहाँ हम एग्जीबिशन पहली बार कर रहे हैं, तो शायद बिजनेस मिल भी सकता है, बिजनेस नहीं भी मिल सकता है, तो तब का और अभी में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, फर्स्ट टाइम कुछ भी आइडिया नहीं था, उन लोग की कैसी चॉइस है, कैसा उन प्रिफर करते हैं, बिकॉज यहाँ के डिफरेंट रहता है और वहाँ के पीपल का डिफरेंट चॉइसेस रहता है, तो नाउ वी मतलब अभी सब पता चल रहा है कि US में कौन सी चीज़ चलेगी और दुबई में कौन सी चीज़ चलेगी, इस हिसाब से हम लोग ज्वेलरी लेके, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सब पता चलता है। जी, बहुत ही अच्छी बात है, और जिस तरह से आपने बोला कि आप मार्केटिंग भी संभालती है, मतलब बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना और मार्केटिंग में सक्सेस होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जब आप कहीं पे मतलब मार्केट में जाते हो, अपनी प्रोडक्ट को आप रखते हो,
और वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है उससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए जी। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका हितल जी, बहुत अच्छी तरह से आप अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाइए, ऐसी मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। और विदेश में आपके एवरी ईयर एक एग्जीबिशन नहीं, एवरी ईयर में 12 मंथ में 12 एग्जीबिशन हो, ऐसी मैं शुभकामनाएँ देती हूँ आपको। और साथ में जाते जाते हमारी जो वुमेन्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वुमेन्स को स्पेशली मैं बी इंडिपेंडेंट और बी हैप्पी ऑल द टाइम बस। थैंक यू। और आगे आप कुछ क्या अभी मतलब आगे क्या करना चाहती है? अभी तो आप हेल्प कर ही रही है, अपने बिजनेस में आगे बढ़ी रही है, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करना चाहती है क्या आप? या समाज के लिए भी मुझे है, मतलब जो लेडीज़ घर पे बैठ रही है कुछ कर नहीं रही है, वो फ्री टाइम होके कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहे, वो फ्री मत बैठना कुछ काम का नहीं है, उससे बेटर है क्रिएटिव करो बस। मीन मेरा यही मोटिवेशन जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से विश्व महिला दिन की आपको शुभकामनाएं। जैसे हम कहते हैं कि जिसने जो चाहा लिखा स्त्री पर स्त्री को कोई पढ़ नहीं पाया। किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। तो ऐसे ही हेतल जी हमारे साथ थी आज, और ज्वेलर्स के साथ जुड़ी हुई है, ज्वेलरी बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, सोशल काम भी कर रही है, ऐसी हेतल जी से आज हम मिले हैं। और विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, ऐसे ही दूसरे हम ऐसी सक्सेसफुल महिलाओं के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.